नमस्कार, स्टेट टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी गतिविधियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति व्याख्यान को संबोधित किया। इसका आयोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन फॉर इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म की तरफ से किया गया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आ रहा है उससे हम तेजी से प्रकृति की ओर आगे बढ़ेंगे। पुंछ के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में 35 बच्चे और स्कूल के प्रिंसिपल कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें फौरन क्वारंटाइन कर दिया गया है। आज गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल मंडी में कुछ 35 जो बच्चे थे, स्कूल स्टूडेंट थे, वो कोविड जो उनकी सैंपलिंग हुई उसमें वो पॉजिटिव आए। और ये बड़ी वरिंग हमारे लिए इशू है कि मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो SOPs हैं कोविड की, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। जहां तक स्कूल का तल्लक है, स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। स्कॉस्ट के VC ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर इस बात की जानकारी दी कि स्कॉस्ट जम्मू 5 दिन के नॉर्थ इंडिया रीजनल एग्रीकल्चर फेयर का आयोजन करने जा रहा है। ये कृषि मेला मेन कैंपस चट्ठा में आयोजित किया जाएगा और इनोवेटिव फार्मर्स जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका उद्घाटन कल 7 तारीख को 3:30 बजे माननीय रूपाला जी करेंगे, जो केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं। 10 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो PMO में स्टेट मिनिस्टर हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं, 10 तारीख को वो आ रहे हैं। जो बासमती राइस का सम्मेलन होगा उसका वो उद्घाटन करेंगे और मेले का समापन का भी वही उद्घाटन और समापन भी मेले का 10 तारीख को करेंगे, हालांकि मेला 11 तारीख तक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज पुरुषोत्तम रूपाला ने नोबरा डिस्ट्रिक्ट में 2.3 करोड़ रुपए की लागत से ट्राउट फिश फार्म खोलने की घोषणा की है। इसलिए ऐसी फीड मिल यहां लगाने के लिए 8 टन की कैपेसिटी वाली और 10 टन की कैपेसिटी वाली 1.20 करोड़ की लागत और 2 करोड़ की लागत के साथ हम इसको मंजूर कर रहे हैं ताकि ये फीड मिल जाए। मांडा डियर पार्क में बर्ड्स ऑफ माय रिवर विषय पर एक पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। इस पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सुरेश के गुप्ता ने किया। श्रीनगर में एक प्रोग्राम किया जिसका जो इनॉग्रेशन है वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया और उसी की कड़ी में आगे जो है हर रोज जो हमने कोई ना कोई प्रोग्राम रखे हुए हैं, कुछ ट्रैकिंग इवेंट्स रखे हैं, कुछ पेंटिंग कम्पिटिशन रखे हैं, कुछ ग्रीन वॉक्स रखी हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स UT लद्दाख रविंदर कुमार ने लेह में 5 दिन चलने वाली टिप टॉप T20 चैंपियनशिप लीग 2021 का उद्घाटन किया। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि क्रिकेट को लेके ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं रहेगी और आने वाले टाइम में चाहे लेह में हो चाहे करगिल में हो, दोनों में इसके ऊपर पूरा काम किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने किसानों की निर्मम हत्या पर अपना विरोध जाहिर किया और साथ ही साथ इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी करने की मांग की। जो जुल्म ढाए हैं किसानों के ऊपर उनके ये खिलाफ ये प्रदर्शन जारी रहे, जब तक ये प्रियंका जी को रिहानी करते ये संघर्ष हमारा जारी रहे। श्रीनगर में मेडिकल स्टूडेंट्स की तरफ से प्रदर्शन किया गया। ये लोग मांग कर रहे थे कि जो 50% कोटे की घोषणा हुई है बाहर के विद्यार्थियों के लिए, उस ऑर्डर को वापस लिया जाए। That decision was totally wrong, क्योंकि यहाँ के जो अपने रेजिडेंट्स हैं आप उनको 30% सीट दे रहे हैं, जो हमारा मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज स्कीम से आप वहाँ के 100% सीट कैंसिल करके बाहर के बच्चों को देखें, तो ये मेरे हिसाब से टोटली इनजस्टिस है और सरकार को अपना डिसीजन जो है वो वापस ले लेना चाहिए। क्रॉसवर्ड्स डिवीजन की तरफ से अखनूर में VDC मेंबर्स के लिए एक ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। और जम्मू में क्रिकेटर उमर मलिक के अच्छे प्रदर्शन को लेकर जम्मू वालों ने अपनी खुशी का इजहार किया और उसे शुभकामनाएं दी। स्टेट टाइम न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।